तक जारी है, आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। क्या समझे कितनी देर की तो ये बातचीत होगी और बातचीत में क्या पद को लेकर, कद को लेकर, सीटों को लेकर बातचीत हो रही होगी? गुंजन, सबसे पहले बात कराना चाहूंगा आपसे। ललन हमारे साथ हैं। ललन जी, ये पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में अहम जिम्मेदारी पर हैं। ललन जी, अंदर मुलाकात में क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है? अंदर जो है बस वही बातें हो रही हैं जो कि एक दूसरे को होना चाहिए था। आज जो है माननीय शिवपाल जी भी चाहते थे कि हमारा समाजवादी हमारा परिवार है और इस वक्त जो है विकट स्थितियों में हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है हम लोग एक होना चाहिए। आज उसी पर आज माननीय अखिलेश यादव जी और आज चाचा जी की आज मुलाकात चाचा जी के निवास पर हो रही है। निश्चित रूप से ये आज की मुलाकात जो कारगर मुलाकात होगी और आने वाले समय में एक नई चुनौती के रूप में, एक नए विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो रहा है। जब दोनों की मुलाकात हुई आप अंदर थे? नहीं, जब वो आ गए तो हम लोग बाहर आ गए। यानी अकेले में मिलना चाहते हैं चाचा भतीजे? नहीं, अब इसलिए वहाँ और कोई पार्टी के किसी के रहने का कोई मतलब नहीं है। अब वो चाचा भतीजे हैं, वो अपना बात कर लें, हम लोग खुद अपने से बाहर निकल आए। अच्छा, क्या सीटों पर बात होगी, गठबंधन पर बात होगी? बिल्कुल, गठबंधन पे ही बात है। ये आपसी जो है ये संदेश है प्रदेश के लिए कि चाचा भतीजे जो है आज एक हो गए हैं और भतीजे के लिए तो हमेशा चाचा जो है उनका आशीर्वाद रहा है। उन्होंने अपना जो है प्रगतिशील जो है अपना जो रथ निकाला था उन्होंने, परिवर्तन रथ, उस रथ के माध्यम से भी मंचों पर वो बोलते रहे कि हमारा भतीजा है, समाजवाद है, समाजवादी पार्टी और प्रसपा एक होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। आपके पास विवेक और वहां बातचीत भी कीजिएगा। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ है हमारे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, मुलाकात अभी भी जारी है, कयास वही लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच गठबंधन होगा। मुलाकात खत्म हो चुकी है। ये जो गाड़ी है वो अखिलेश यादव की है।